हेलो दोस्तों, आप ये जो सामने पौधा देख रहे हैं, यह एक नींबू का पौधा है जो कि इस 14 इंच के इस गमले में लगाया हुआ है और इसमें इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है और इसमें छोटे छोटे फल बनने भी शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर काफ़ी सारे छोटे छोटे फल बनने शुरू हो गए हैं। आखिर कैसे मैंने इस 2 फीट के पौधे में ही इतने सारे फ्रूट ले लिए, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इस 2 फीट के पौधे में ही काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स लगे हुए हैं और पौधे की ग्रोथ जो है वह काफ़ी अच्छी हो रही है और हमारा पौधा जो है वह काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। आखिर कैसे, वह भी इस 2 फीट के गमले में। तो दोस्तों, मैंने जब इस पौधे को इस गमले में लगाया था तब मैं खास किस्म का सॉइल मिक्स तैयार किया था, जिसके लिए मैं 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 25% सैंड और 25% कंपोस्ट को अच्छे से मिक्स करके और उसमें 2 मुट्ठी नीम फली को ऐड करके पौधे को लगाया था। और जो मैं पौधे को लगाया था वह ईयर लेयरिंग से तैयार पौधा था जो कि मैंने नर्सरी से खरीद कर लाया था। और इसमें से मैंने करीब डेढ़ साल तक कोई भी हार्वेस्टिंग नहीं लिया हूँ और उसके बाद यह मेरी फर्स्ट हार्वेस्टिंग है, जिसमें अभी देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे फूल आना चालू हो गए हैं और हमारा पौधा भी जो है वह काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर गया है। अगर आप भी लगाना चाहते हैं नींबू के पौधे को, तो मैंने जो तरीका बताया है उससे आप नींबू के पौधे को बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं 12 से 14 इंच के गमले में और अच्छी खासी फ्रूटिंग भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पहले से नींबू का पौधा है और उसमें फूल और फल नहीं आ रहे हैं, तो मैं जो आज बताने वाला हूँ विधि, उसके माध्यम से आप जो है बहुत सारे फूल और फल नींबू के पौधे में ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो इस पौधे की लगाने के करीब 3 महीने बाद से ही इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए मैं 50 ग्राम जो हूँ वह नीम खली, 200 ग्राम वार्मिक कंपोस्ट और आधा चम्मच के आसपास बायो एंजाइम को इन सबको अच्छे से मिक्स करके पौधे में मैं अप्लाई करता था हर महीने में एक बार, जिसके बाद पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है और हमारा पौधा काफ़ी ज़्यादा हरा भरा हो गया है और साथ ही साथ पौधे में काफ़ी सारे फूल और फल भी लग रहे हैं और नए नए ग्रोथ भी आना चालू हो गए हैं। दोस्तों, यह जो प्लांट है वह सन लविंग प्लांट है, इसीलिए आप जब भी इस पौधे को लगाएं, इसे वैसी जगह पर रखें जहाँ पर इसे कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप डायरेक्ट मिलती हो और जून जुलाई के तेज़ गर्मी में इसे सेमी शेडेड करके रखें, क्योंकि जून जुलाई के तेज़ गर्मी में यह पौधा जो है वह थोड़ा सा मुरझाने लगता है और गर्मी को सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसीलिए आप इसे जून जुलाई के महीने में जो है थोड़ा सा इस पौधे को सेमी शेडेड कर दें। दोस्तों, अगर आपके पौधे में जो है फूल और फल नहीं आ रहे हैं, तो आप किसी भी पीजीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधे में, जिसके बाद आपके पौधे में जो है वह फूल और फल बनने चालू हो जाएंगे। जैसा कि आप मेरे इस पौधे में देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे फल लगे हुए हैं और पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। दोस्तों, मैंने इस पौधे को बरसात के मौसम में लाया था और यह मौसम सबसे बेस्ट होता है नींबू के पौधे को लगाने के लिए, इसीलिए आप इसे बरसात के मौसम में या फिर ठंडी के मौसम में इस पौधे को बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। आप इस पौधे को गर्मी के मौसम में नहीं लगाएं, क्योंकि गर्मी में यह पौधा जो है इसे सर्वाइव करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है और पौधा कभी कभी मर भी जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।